एक तरफ कुतुब मीनार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में हियरिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पुराने शिव मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक चल रहा है। इस उम्मीद के साथ प्रार्थना की जा रही है कि कुतुब मीनार केस में जीत हिंदू पक्ष की हो और वहां पे विष्णु स्तंभ की स्थापना हो। ये मांग कई सारे हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, जिसमें महाराणा प्रताप सेना भी शामिल है। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, प्रार्थना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, किस उम्मीद के साथ? देखिए, आज कुतुब मीनार पर निर्णय आना है तो आज शक्ति प्रदर्शन ना करके हम भक्ति प्रदर्शन करने आए हैं और महादेव से अर्जी लगाने आए हैं कि बाबा महादेव अपनी कृपा बनाएं महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों पर, इस देश में तमाम हिंदुओं पर। और जैसा ऐतिहासिक निर्णय अयोध्या पर आया, वैसे ही ऐतिहासिक निर्णय जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल पर भी कोर्ट दे, ऐसी हम महादेव से अभिलाषा और इच्छा लेकर आज आए हैं और महारुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सीपी में क्यों कुतुब मीनार नहीं गए, क्या वजह है? दिल्ली में सबसे प्राचीन मंदिर यह है और दिल्ली में धारा 144 लगी है, वहां पर अभी मूर्तियों को जगाना होगा, पूजा पाठ करना होगा। अभी कुतुब मीनार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रुद्राभिषेक किया जा सके। दिल्ली का सबसे प्राचीन शिव मंदिर यह है जहां पर पांडवों ने पूजा अर्चना की, तो आज ये सौभाग्य की बात है महाराणा प्रताप सेना के लिए कि आज हमें पूजा का अवसर मिला है और आज हम भारत की न्यायपालिका से, महादेव से यह उम्मीद लेकर आए हैं कि जो भी निर्णय आए वह महाराणा प्रताप सेना और तमाम देश में हिंदू संगठन और तमाम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक जो कुतुब मीनार है उसको मानना है हमारा कि वह विष्णु स्तंभ है। हम महादेव से आज प्रार्थना करेंगे और आज जो भी प्रदर्शन है। किसने बनाया विष्णु स्तंभ, कब बना, किसने बनाया? दिल्ली के आखिरी राजा विक्रमादित्य जी जो हमारे वंशज थे, हमारा मानना है कि उन्होंने ही बनाया। कब बनाया वो? 1800 के समथिंग, 1845 के दौर की बात है जब वह बना होगा, क्योंकि ये इतिहास ऑलरेडी सरकार सर्च कर रही है। हमारा मानना यह है कि वह विष्णु स्तंभ है और आज हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय आए वह हिंदुओं के। 1800 ईस्वी में विष्णु स्तंभ बना। आपको पता है कि कुतुब मीनार 1183 के आसपास जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने बेसमेंट बनाया, फिर इल्तुतमिश ने उस पर 3 मंजिलें बनाई, आखिरी कंस्ट्रक्शन 5वीं मंजिल की फिरोज शाह तुगलक ने करवाया 1383 के आसपास। तो ये 1800 क्या का आप दावा कर रहे हैं? 1300 में तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था कुतुब मीनार का। देखिए, सरकार उसकी जांच भी कर रही है और आने वाले समय में उसकी खुदाई भी होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एसआई के फैक्ट्स हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दावा नहीं है, ये एसआई के फैक्ट्स हैं। लेकिन वहां पर तो अभी देखिए मूर्तियां मिल रही हैं जी। और आपने कहा कि उसको मुगलों ने बनवाया? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ये जो नाम है ये मुगल शासकों के नाम है। मुगल शासक नहीं है ये। ये जो नाम है ये हमारे हिंदू सभ्यता के नाम नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो विष्णु स्तंभ है। आगे जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट सुनाएगी। एक और फैक्ट इसमें, आप मुगलों का नाम लेते हैं, 1526 में मुगल एम्पायर का, मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई है और ये जो जो कुतुब मीनार है वो 1200 से लेके 1400 में बन के तैयार हो गया है, तो बाबर के पैदा होने के पहले तैयार हो चुका है। आज हम इतिहास की बात करने नहीं आए हैं, आज हम महारुद्राभिषेक करने आए हैं और भगवान से पूजा अर्चना करेंगे कि जो भी निर्णय आए वह महाराणा प्रताप सेना और हिंदुओं के हित में आए, ऐसी हम प्रार्थना करने आए। बाकी महादेव जान सकते हैं क्या है, क्या दूध है, क्या पानी है। उम्मीद क्या है? उम्मीद है जैसा ऐतिहासिक निर्णय अयोध्या के लिए आया वैसा कुतुब मीनार और ताजमहल और जामा मस्जिद पे भी आने वाले भविष्य में आएगा, ऐसी हम महादेव से प्रार्थना करने आए। ठीक है, तो महाराणा प्रताप सेना रुद्राभिषेक कर रहा है दिल्ली के पुराने शिव मंदिर में। उम्मीद उनकी ये है कि जो साकेत कोर्ट में हियरिंग चल रही है कुतुब मीनार को लेके, उस हियरिंग में ठीक वैसा ही निर्णय हो जैसा अयोध्या में हुआ, ये उम्मीद लेके पूजा अर्चना की जा रही है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। लेकिन जहां जैसे ही इतिहास के पन्नों की बात होती है तमाम दावों पे सवाल उठना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जो उनका कहना है कि 1800 की ईस्वी में विष्णु स्तंभ बना, जबकि कुतुब मीनार
का पूरा कंस्ट्रक्शन 1200 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी में खत्म हो गया था। सवाल ये उठता है कि जो लोग इस विवाद को तूल दे रहे हैं वो इतिहास के पन्नों को क्यों नहीं खंगाल रहे हैं। फैसला कोर्ट में होना है लेकिन विवाद खड़े करने वाले लोगों के लिए फैक्ट्स क्या मैटर करता है कि नहीं, फैक्ट्स कोई अहमियत रखता है कि नहीं, ये सवाल भी बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट जिया के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।